अलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। आज की व्लॉग तो कोई नहीं था, खैर आज दिल कर रहा था करेले गोश्त बनाने का, तो मैं कहा चल आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। ये लहसुन को मैंने कड़कड़ाया है, ये देखें हल्का सा लहसुन को कटा के अभी हम इसमें डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। चिकन क्यों डाला लहसुन में कि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। हल्की जी पंजाबी च बोलनी है पर हल्की जी छान जी आ जाती ना, तो बच्चे कहते छान आ रही। जी फ्रेंड्स ये देखें आज ना कोई भी लोग मैं नहीं निकल रही आजकल, पता क्या गर्मी बड़ी है तो मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही थी तो नहीं दिल किया कहीं भी जाने का। जुमा पड़ा है आज तो उसके बाद कहीं भी नहीं गई, तो घर में सोचा कि चलें कुछ खाना छाना बनाती हूँ, तो वो बनाने लगी करेले गोश्त बना रही हूँ। आपको चेक करवाती हूँ कि देखें कैसे बन रहे। ये देखें माशाल्लाह, ये एक साइड पे चिकन रख है, दूसरी तरफ ये मैंने करेले पिंक होने के लिए रख दिए। अभी ये माशाल्लाह हो जाएंगे। अब देखो जनाब इस साइड दे हो गए हुण मेरे करेले फ्राई, ठीक है फ्राई कर ले हल्के जे पिंक किते ने। ए देखो मैं तुम दिखावा नज़दीकी, मैं बहुते साड़ के सवा नहीं करती, मैनू सड़े करेले सही नहीं लगते। ठीक है इन्हें हूँ करेलिया के मैं पा देवगी। ए मैं हूँ किते सी प्याज टमाटर सबद मिर्चा ए धो के रख लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हूँ तुम कहोगे कि मैं गोश्त नहीं पाया, गोश्त इधर हूँ गलेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला इधर पा देवगी, लेकिन एक करेलिया की छोटी जी अच्छी जी टिप दाँगी कि गोश्त जड़ा ना तुम पहले साइड से गलाओ अच्छे से, जो गला लोगे ना तो फिर ते जाना फिर इन्होंने दोवे चीज़ों आपस मिक्स कर देना, तो नाले करेलिया के लसन अदरक भी सही लगता। गोश्त जो मैं फ्राई करनी है ना फिर पै थे अंदर लसन अदरक प्याज टमाटर हरिया मिर्चा पा के तो मैं गोश्त रख दिता गलन वास्ते इंशाल्लाह ताला गलदा। फिर इन्होंने दोवे मिक्स करके तो करेलिया मैं नमक नहीं जो पाया क्योंकि नमक ला के मैं रखे थी इन्होंने मल लिया सी। जो तुम चिकन हल्का जा टी स्पून बस पा लेना नमक फिर ताड़ी सारी हांडी वास्ते बेहतर है, क्योंकि करेले से नमक ना धोई दे ना तो फिर इस करके नमक ज़्यादा नहीं पाना। तुहाडे नाल कोई गुफ्तगू करती जानी हाँ थोड़ी बहुत, पता की गल है जिंदगी जड़ी है ना बड़ी कौड़ी समटाइम निकल आती। बादाम दियाँ गिरियां वाला हाल है, अगर निकलन लगे तो मिठी निकल आए, ना निकले तो बड़ी कौड़ी निकल आती है एक करेलिया की तरह कौड़ी। लेकिन अगर किसी चंगे दे हाथ बंदा लग जाए ना, खास तौर पर बेटियाँ किसी चंगे दे हाथ लग जान तो समझो कौड़े करेले भी बड़ा मज़ा दे जाते हैं, तो अगर किसी मंदे दे हाथ लग जान तो लख मिठिया गिरियां भी हो ना उन्होंने हजम नहीं होंदियाँ, तो उन्होंने भी कोई ना कोई कीड़े काट लेंगे। लिहाजा यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर एक दी बेटी दे नेक नसीब करे, किस्मत अच्छी करे, क्योंकि पता की है हर लड़की दे ख्वाब हुंदे जिंदगी दे नाल बड़े, तो जिहड़ा इंसान जो अचानक जो ख्वाब वगैरह थोड़े पूरे नहीं ना हुंदे उन्हां चीज़ां च बच्चियां बड़ियां डिस्टर्ब हो जांदियां, उन्होंने तो बेचारियों ने होना हुंदा डिस्टर्ब, लेकिन माँ बाप बहुता मर जाते कहिंदे ने ना जिंदी बेटी दुखी थे उन्दी जद दुखी। अल्लाह अगे दुआ करया करो अल्लाह जिन्होंने तियाँ देंद अल्लाह उन्हों दियाँ बेटियां दे बड़े चंगे नसीब करे, अल्लाह उन्हों की किस्मत अच्छी करे, उन्होंने अपने घर सुख मिले सकून मिले। अल्लाह पाक कभी अपनी प्यारी जात लवा किसी का मुहताज ना करे। चलो हूँ अगों वेखने करेले कितों तक पहुँचे। देखो हूँ ना इधर मैं कर लिया फ्राई चिकन, एक साइड से मैं आटा गुन लिया गुन के, तो हूँ ना मैं ये चिकन जड़ा ना देखो ना बेहतरीन तरीके की छोड़ दिता चंकी तरह भुज गया वे गल भी गया हूँ अंदर।